तुम्हारी पूरी 9th क्लास ने ना पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती करा रखी है। तुम्हारी वजह से आज प्रिंसिपल मैडम ने मेरे को ऑफिस में बुला के डांटा है कि तुम्हारी क्लास के बच्चों को इंग्लिश का ई भी नहीं पता। तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। आज तो तुमको मैं इंग्लिश सिखा के रहूंगा। आज मैं तुम लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। टेंशन? सर वो टेंशन नहीं होता, टेंस होता है। आपको इतना भी नहीं पता? तभी तो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बेटा। मेरी बातों पे ध्यान दोगे तभी सीखोगे। टेंस नहीं, टेंशन होता है, इसीलिए हमें इंग्लिश नहीं आती। हाँ टेंशन तो ये खुद है। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना ठीक है। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क। इसका मतलब मोहन अच्छा कर्म कर रहा है। मोहन का अच्छा काम कर रहा है, सर को कुछ पता ही नहीं। हाँ वो तो बुरा काम कर रहा है। और क्या, वो साइड वाले स्कूल वाला ही ना चोरी करता है वो अपनी क्लास में। सर को ऐसे बोलना चाहिए कि मोहन बुरा काम करता है। ये तो हो गया इंग्लिश टू हिंदी। अब मैं तुम लोगों को एक एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा, तुम्हें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ठीक है। रिंकी तुम खड़ी हो, बता रिया अच्छा काम कर रही है, इसकी इंग्लिश बता। रिया अच्छा काम करती है। सर आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है। रिया कहीं अच्छा काम नहीं करती, वो सोनू के साथ भाग गई है। आपको यकीन नहीं आ रहा? तू बता दे शिखा। हाँ सर कल ही तो भागी गई है वो। आप ऐसे बोलो कि रिया बुरा काम करती है। तू इधर आ, इधर आ। सर सुनी नहीं? सर मैं बोल रही हूँ आप। अरे सर मैं आपको बता रही हूँ रिया अच्छी लड़की नहीं है, आप सुनी नहीं रहे हो। चलो बाहर खड़े हो जाओ और हाँ हाथ ऊपर कर लेना। ओए माँ। रिया पे ध्यान है, पढ़ाई पे नहीं। मिटवा दिया वाल तुम्हें। चलो शिखा तुम खड़े हो। जी सर। अच्छा इसकी इंग्लिश बना के बताओ। रिंकी बाहर फुटबॉल खेल रही है। रिंकी फुटबॉल खेल रही है? उसने मुझे बताया भी सर, वो अकेले खेले चलेगी खेलने के लिए। सर आपका टेस्ट गया भाड़ में, मैं जा रही हूँ रिंकी की ऐसी तैसी करने की। तो क्यों मार रही है बताएगी क्यों मार रही है? तो अकेले के लिए फुटबॉल क्यों खेल रही थी? खेल रही हूँ फुटबॉल, तुम ही मार ले। नहीं खेल रही फुटबॉल, तुम्हें मारी जा रही। नहीं खेल रही हूँ फुटबॉल। लड़कियों इन दोनों ने जो किया ना उसकी पनिशमेंट इन दोनों को मिल चुकी है ठीक है। अब आगे ध्यान से पढ़ो ठीक है। यार इनकी तो फुटबॉल खेल रही थी, बता नहीं सकती थी। पागल कहाँ खेल रही थी फुटबॉल? यार सॉरी मैंने तेरी दोस्ती पे शक किया, वो तो सर बोल रहे थे कि तू फुटबॉल खेल रही है। टेंस है, टेंस है, मैं बुद्धि बैल बुद्धि टेंस। देख मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कैसा लग रहा है? तेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज सेल्फी लेते हैं। अगांशा आज तो बड़ी चहक रही और महक रही हो। क्या सर आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ ना। और आज के दिन तो हम लड़कियों की जान छोड़ दो सर। बारहवीं पास कर गया ना, ज्यादा उड़ मत। सर वो बता तुम्हारी तीसरी फ्रेंड कहाँ है? रिंकी। क्यों आपको क्या करना है? आज हम सेल्फी लेते हैं। आकांक्षा ये भटूरा यहाँ क्या कर रहा है? यार कुछ नहीं, तेरे को तो पता है ना हर बार कुछ ना कुछ बोल के इरिटेट करते हैं। हाँ उनका तो काम ही ये है। वैसे आकांक्षा तू तो बड़ी जचरी है। मेरा छोड़, खुद को देख क्या पटाका लग रही है ये। और फिगर तो देखो सारा मैडम का। कोई सपना यार, हमने तो डिसाइड करा था कि हम सब सूट पहनेंगे। तूने हमें धोखा दिया ना, खुद साड़ी पहनकर आ गई। अरे यार सपना तू तो समझ, मैं कहाँ पहनती हूँ सूट। और ये साड़ी तो मम्मी की है, लास्ट मोमेंट में डिसाइड की है मैंने। ये सब छोड़ो ना तुम, मैं ना बैकलेस पहन के आई हूँ फोटो क्लिक करते। ओ भाई ये तो पूरा बैकलेस है, कितना सेक्सी लग रहा है ये। ओ भाई हाँ यार कितनी छोटी ड्रेस पहन कर आई है ये। इसकी ना ये सब चालबाजी है मिस फेयरवेल बनने के लिए। सर को रिझाना चाहती है, सर ही तो जज कर रहे हैं। और वैसे भी सर के पास ना ट्यूशन पड़ती है। जिन भी लड़कियों को
मिस फेयरवेल के लिए पार्टिसिपेट करना है, वो स्टेज पर आ जाओ। देख अनाउंसमेंट हो रही है, स्टेज पे चलना है, चलो। अरे सर किसको बना रहे हो मिस फेयरवेल? अरे सर जो अच्छी दिखेगी और अच्छा करेगी वो बन जाएगी। और सर उन तीनों लड़कियों को तो बिल्कुल भी मत बनाना। अरे सर देखते हैं ना कौन बनेगा कौन नहीं, आने तो देता नहीं। ओए होए, होए होए। सर मेरे को लगता है अबकी बार कंपटीशन टफ होगा। ओए इतनी आगे खड़ा नहीं होना, पीछे हो जा। बोल भी कौन रहा है, वैसे भी मिस फेयरवेल तो मैं ही बनूंगी और तुम बनोगी मिस भैंजी। हाँ तो भाई तुम सबका पहला राउंड है रैंप वॉक, जो सबसे अच्छी वॉक करेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा और बनेगा मिस फेयरवेल। ओए सपना तेरे को क्या लग रहा है, हम दोनों जाएंगे? यार ऑफ कोर्स जाओगे, कैसे नहीं जाओगे, इसको तो कुछ भी नहीं आता। तुम लोग कितने अच्छे हो, टैलेंटेड हो। हाँ तुझसे अच्छी वॉक कोई नहीं करता यहाँ पे, हम दोनों का फाइनल राउंड में जाना तो पक्का है। ठीक है शुरू करते हैं, चलिए। नेक्स्ट राउंड में आगे जाती हैं मिस रिंकी एंड मिस सपना, कंग्रेचुलेशन, और शिखा। तेरी और इस राउंड से मिस आकांक्षा बाहर होती हैं। यार मैं तो निकल गई इस कंपटीशन से, तुम लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, चल बाय, इसको मत जीतने देना। तो अगला राउंड है डांसिंग राउंड, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। ठीक है कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। सपना ये सर हमारे साथ क्यों नाच रहे हैं? मुझे क्या पता, तो छोड़ना हम कंपटीशन पे फोकस करते हैं। तो इस फाइनल राउंड की विनर है, उनका नाम है मिस शिखा। अरे ओ तुम क्यों खड़े हो, चलो निकलो। ये लो आपका गिफ्ट, चलो फोटो खिंचवा दो। ओए माँ और पहन के आप 5 इंच की। यार ये रिंकी कहाँ रहेगी यार, हमेशा लेट करवाती है, को पता नहीं है वो नकचुड़ी वहीं गेट पे खड़ी होगी और लेट हो गई ना तो बहुत मारती है। अरे इधर वो पागल। ओए तेरा बैग कहाँ है, और ये कौन से स्कूल की पैंट पहन कर आ गई है फटी? हमारे स्कूल की ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक। मैंने सोचा आज थोड़ा हम मॉडल बना जाए। हाँ हाँ तू मॉडल तो बन के आ गई है, मैम तेरे मॉडल बनाएंगी, अब देखना साइंस का बनेगी या मैथ का। वैसे इसका छोड़,
तू अपना बता, ये कैसे बाल खोल कर आई हुई है तू स्कूल में? अरे वो क्या है ना, मैंने सुबह सुबह हेयर वॉश किया था, तो मैं मैम को बता दूंगी कि मैंने हेयर वॉश किया है, तो मैम मुझे छोड़ देंगी। और मुझे कितना बोल रही है, खुद का नहीं पता इसको। बहाने देखो मैडम के, जब मैडम को बताएगी ना तेरे तोते उड़ाएगी वो। हाँ तो तू तो चुप ही रह, लाइनर लगा के आई है, मैम तेरा लाइनर निकालेगी अभी। अब कुछ नहीं होता यार, जल्दी से चलो। हाँ यार, नकचड़ी ना मार देगी आज तो पक्का। यार वो खड़ूस कहीं दिख नहीं रही, आ जाओ फटाफट निकल लो यहाँ से, ऑफिस से जल्दी से निकल जाते हैं, बच जाएंगे। बच गए। रुको तीनों महारानियों। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे स्कूल की ड्रेस तो ब्लैक पैंट या ब्लैक स्कर्ट है ना, ये तुमने ब्लू जीन्स क्यों पहनी हुई है? वो मैम हुआ यूं कि चूहा मेरी पैंट खा गया, ऊपर से वो भी फटी हुई। सॉरी मैम। I don't want this kind of excuses. Go there and hands up. And what is this? कि designing pants हमारे स्कूल में allowed है? Ma'am, actually. Just shut up. And what is this? Is this a way to come to school? Go there and hands up. Hi ma'am, sorry ma'am. Actually ma'am, मैं आपको बता दूँ कि मैंने सुबह hair wash किया था, तो इसीलिए मैं ऐसी छोटी करके आई हूँ, वरना मैं तो बहुत अच्छी student हूँ। Sorry for what? ये ज्यादा बाल खोल के आने का शौक है ना तुमको स्कूल में? अभी तुम्हें बताती हूँ स्कूल में कैसे आ जाता है। Now you are looking good. अब पूरे दिन इसी तरीके से पूरे स्कूल में घूमोगी। और आओ बनके महारानी। क्या हुआ? इस खड़ूस से बचना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। ये देख रणवीर सिंह की पोस्ट कितनी मस्त है, कितना हैंडसम लग रहा है। कितना हॉट लग रहा है यार। रिंकी तू फोन लेके आई है अभी स्कूल में? अरे हाँ हाँ, आज पीटीएम है ना, तो उसके बाद बोर हो जाएंगे लंच के बाद, तो इसीलिए ले आई थी। अच्छा रिंकी सुन ना, मेरे काम करेगी वो ना, एक्चुअली मेरे को चेक करना है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो लॉयल है कि नहीं, तो फिर काम कर उसे कॉल लगा के बात करना। मारे बॉयफ्रेंड के चक्कर? हाँ यार, तुझे ना चेक करवा लेना चाहिए। मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड का आज ही चेक करवाया है कि वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं, और तुझे पता है वो मेरे लिए पूरी तरह लॉयल है। ठीक है, तुम्हारे बंदे और ये नंबर बता कर आती हूँ। स्पीकर पे रखना। सारी मजे चाहिए, रुक जा। हेलो राहुल। राहुल हेलो, आप राहुल बोल रहे हो? एक्चुअली मुझे आपका नंबर ना मेरी क्लास की एक लड़की से मिला था। आप वो साइड वाले स्कूल में पढ़ते हो ना? हाँ, मुझे ना आप काफ़ी पसंद हो। हाँ हाँ, मैं वही गर्ल्स कॉलेज की लड़की हूँ। हाँ तो मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन था, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ओए ये तो मना कर रहा है। अच्छा आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे लगा आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, यू नो आप काफ़ी हैंडसम भी हैं। अच्छा हाँ हाँ, डेट फिक्स करते हैं ना नेक्स्ट वीक के लिए। चलो ठीक है, फिर मैं रखती हूँ, बाय। ओए तेरा बॉयफ्रेंड तो तुझे धोखा दे रहा है, राहुल तेरा अंजलि बना गया। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या छोड़ूंगी नहीं, उसने छोड़ दिया तेरे को। और बना बॉयफ्रेंड बुक तो अब। तुम लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अच्छा बच्चों, तो आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और उससे पहले मैं तुम सब लोगों का टेस्ट लूंगा, ठीक है? यार ये सर कभी फिजिक्स पढ़ाने लग जाते हैं, कभी केमिस्ट्री, इनका मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे नहीं लगता कुछ आता भी है। सही बोल रही है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, इसका आंसर क्या हुआ? ओए ये तो बहुत इजी है, देख H2O H2O और O2 यानी कि वाटर और ऑक्सीजन। बता तू, तुझे पता है तो बताना। और तुम्हारे पास 5 मिनट है। सर इसका आंसर मुझे आता है। अच्छा बताओ। देखो सर, 2H2O यानी कि ये तो पानी का वो होता है फॉर्मूला 2H2O, और O2 ऑक्सीजन का, तो 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर। अरे बकवास मत करो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे अच्छा तो सना को आता है, उसने मेरे पास ट्यूशन लगवाया हुआ है, ठीक है?
अरे सर सही तो बता रहे हैं। सर मैं बताऊं? बताओ। सर H2O है ऑक्सीजन, फिर प्लस H2O है ऑक्सीजन और प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड। सर गलत बता रही है वो। ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें भी अच्छा बताना है तो मेरे पास ट्यूशन लगवा लो, ठीक है? यार ये अच्छी मुसीबत है। कहाँ पहुंच गए यार? यार गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने का ना यही नतीजा होता है, एक सर होते हैं ना वही सर दर्द करके रखते हैं। सारे गधे और घोड़े एक ही लाइन में बैठे। ये गधे हम घोड़े। मुझे लग रहा है यार सर के पास ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस क्लास में लगा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में छोड़ देंगे। हाँ यार इनकी तो सही कह रही है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। हाँ यार सर तो साफ साफ बोल रहे हैं कि फेल कर दूंगा। सर हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी आफ्टर क्लास। हाँ ठीक है जरूर ट्यूशन लगवा लिया। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी गई है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक वन मोर थिंग कि मुझे बहुत सारा प्यार करें। लव यू, बाय।